जोरदार थरथर ध्वनि। देखिए सर्दी है ना, तो सर्दी में तालियां बजाने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए सभी हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय अरुण सिंह जी का हम अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित पार्टी के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, जो इस यात्रा के संयोजक भी है, हमारे जुझारू कर्मठ जिलाध्यक्ष भाई रामकिशोर शर्मा जी, और जिले के प्रभारी भाई पंकज जैन जी, और इस विधानसभा से तीसरी बार विधायक जुझारू नेता आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, और हमारी निगम पार्षद बहन गुंजन गुप्ता जी, अपर्णा गोयल जी, कविता खन्ना जी, और इस वार्ड में निगम पार्षद अंजू कमलकांत जी, चारों मंडल अध्यक्ष और हमारे तीनों जिले के महामंत्री टेंटुरा जी, अनिल शर्मा जी और दीपक गावा जी, और यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ जिले के पदाधिकारी, और इस पूरे जो संजय अमर कॉलोनी और दूसरा भीकम सिंह कॉलोनी और चारों वार्ड के जितने क्लस्टर हैं, जितनी सेवा बस्ती, जितनी झुग्गी बस्ती, वहाँ के सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, देखिए मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर झुग्गी सम्मान यात्रा की जरूरत आपके पास क्यों पड़ी है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना, जो 8 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर महिलाओं को दी जा चुकी है, वो दिल्ली के अंदर इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा में जाकर दिल्ली के उन लोगों के पास जिनको अभी तक उज्ज्वला योजना नहीं मिली है, यानी उज्ज्वला योजना में एक गैस का कनेक्शन, एक गैस का चूल्हा और एक गैस का सिलेंडर और 2 लाख का बीमा, ये बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से आपके बीच आया है। और इसी तरह से अभी आपने देखा होगा 10,000 रुपए का लोन का चेक आपको मिला है, जिन जिन लोगों को मिला है, आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों का दर्द बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं क्योंकि गरीबी बड़ी नजदीक से उन्होंने देखी है। उनकी माता जी दूसरों के घरों में काम करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला है, अपने परिवार को पाला है। इसलिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि इस देश में ये मोदी सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी, देश के गरीब महिलाओं को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को समर्पित सरकार होगी। और उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई, वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का इलाज, आवास योजना हो, इज्जत घर बनाने की योजना हो, ई श्रम कार्ड की योजना हो, जितनी भी योजनाएं बनाई वो देश के गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूर के लिए वो योजना बनाई, किसी अमीर के लिए नहीं बनाई, किसी टाटा बिरला के लिए कोई योजना नहीं बनाई, उन्होंने योजना बनाई देश के गरीबों के लिए योजना बनाई। और वो जब उन्होंने कहा था तो करके दिखाया है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए आई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है, केजरीवाल साहब, अभी ये 29वीं यात्रा है, 28 विधानसभाओं में हम जा चुके हैं। मैं माननीय अरुण सिंह जी को बताना चाहता हूं कि 28 यात्रा के अंदर हर यात्रा में जो समस्याएं थी कि कहीं साफ पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पर शौचालय नहीं है, तो कहीं पर बिजली के बड़े हुए बिल आ रहे झुग्गियों में, कहीं पर राशन कार्ड नहीं बना है, तो कहीं पानी की निकासी नहीं है, ये पांचों की पांचों समस्याएं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की देन है। क्योंकि उन्होंने कहा था, एक पत्रकार ने, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, माताओं बहनों बड़ी सुनने वाली बात है,
जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा उनसे कि केजरीवाल साहब आप तो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, आपने को राजनीति में आने की जरूरत क्या है। बोले हम राजनीति में आना चाहते हैं क्योंकि हम दिल्ली और देश के अंदर राजनीति का भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जब कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बने तो वो आम आदमी की तरह रहे, उसके पास गाड़ी भी छोटी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, वो फ्लैट में रहना चाहिए, बंगले में नहीं रहना चाहिए और उसे सुरक्षा भी नहीं मिलनी चाहिए। ये केजरीवाल साहब ने कहा और देखो उन्होंने मुख्यमंत्री बन गए, अब उन्होंने गाड़ी भी ले ली, लंबी गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी ले ली, कौन सी होती लंबी गाड़ी, कौन सी होती है लंबी, BMW। वो बेटा बच्चा कह रहा BMW। लंबी गाड़ी ले ली और बंगला, पहले दो कमरों के फ्लैट में यही रहते थे। कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, कौशाम्बी में रहते थे, अब वो 25 कमरों के फ्लैट में चले गए और सुरक्षा भी मिल गई। चलिए सुरक्षा मुख्यमंत्री है, संवैधानिक व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब वो क्या काम कर रहे हैं कि अपने बंगले के ऊपर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। स्विमिंग पूल जानते ना बच्चों, वो स्विमिंग पूल में साफ पानी भरेंगे। कैसा पानी भरेंगे और पता उसकी लागत कितनी है, 10 करोड़। कितने होते 10 करोड़, अगर हम 1 लाख की गिनती एक मान ले तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसे 100 तक गिनेंगे तो कितने होंगे, 100 लाख कितने होते हैं। वो 10 करोड़ कहा है उन्होंने, हो सकता है वो 20 करोड़ भी लगा दे और उसमें साफ पानी भरेंगे, जो पानी की कली दिख रही होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको साफ पानी नसीब हो रहा है, बताइए बहन जी, आपको साफ पानी मिल रहा है क्या, इधर बताइए, आपको साफ पानी मिल रहा है बहन जी? अगर नहीं मिल रहा तो हाथ जरा खोल के मिलाइए। आपको साफ पानी मिल रहा क्या बहन जी, पीछे नहीं मिल रहा ना। उन्होंने एक बात और कही थी कि हम हर घर से नल से पानी पहुंचाएंगे। आपको नल से पानी आ रहा क्या, नल से जल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, जोर से बोलिए, नल से जल आ रहा क्या। नल से जल भी नहीं आया, साफ पानी भी नहीं आया, राशन कार्ड बने नहीं। मोदी जी ने 5 किलो राशन भेजा सबको, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको मिल नहीं पाया। अगर वो राशन कार्ड बनवा देते तो वो भी मिल जाता। कोई वादा पूरा नहीं किया और क्या कर रहे हैं, जो कभी वादा जो लिखा ही नहीं था, कह रहे हम हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे शराब की दुकानें खोलने जा रहे, शराब की दुकानें खोलने जा रहे। बताओ उन्हें पानी ज्यादा जरूरी है या शराब की दुकानें जरूरी है, बताइए जोर से, पानी ज्यादा जरूरी है शराब की दुकानें, पानी ज्यादा जरूरी उनके लिए शराब की दुकानें इसलिए जरूरी है कि उन्होंने 850 दुकानें खोल के हजारों करोड़ रुपया अपनी पार्टी के फंड में जमा करा दिए और उससे पंजाब, गोवा, उत्तराखंड जा रहे। तो ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके पानी की, साफ पानी की, राशन कार्ड की और आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए, आपके न्याय सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए झुग्गी सम्मान यात्रा है। और मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, कहते हैं जो वादा करते हैं और वो निभाते हैं उनका नाम क्या है, जोर से बोलिए, जो वादा करते हैं और निभाते हैं, पूरा करते हैं उनका नाम, जो वादा करते हैं और निभाते हैं उनका नाम, जोर से बोलिए, जो वादा करते हैं और पूरा करते हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम, मंच से भी बोलिए भाई, जो वादा करते हैं और उसको पूरा करते हैं और जो वादा करके भूल जाते हैं, जो वादा करके भूल जाते हैं वो पंजाब, उत्तराखंड, गोवा घूम रहे हैं। मैं आपको बताने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, संदेश पर, आपकी फिक्र लेने के लिए हम लोग आए हैं, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं।
चिंता करने के लिए आए हैं 24 घंटे कोरोना के समय की, और अब भी चिंता करने के लिए, आपका हाल चाल लेने के लिए आए हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में ठेका ना खुले इसकी लड़ाई करने के लिए आए हैं, आपके संघर्ष के साथ आए हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने सभी बातें झुग्गी वासियों के सामने रखी, और मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा के सदस्य हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण सिंह जी से कृपया आए और अपना संबोधन करें। एक बार श्री अरुण सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनको स्वागत करें, जोरदार तालियां। धन्यवाद श्री अरुण सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की, सभी झुग्गी वालों की जय जय श्री राम। हो गया सबका काम। आज के इस झुग्गी सम्मान यात्रा में दिल्ली प्रदेश के यशस्वी तेजतर्रार लोकप्रिय अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उनके साथ पूरे कार्यक्रम को देख रेख कर रहे ऐसे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप जी, इस जिले के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी, लोकप्रिय विधायक तीन तीन बार विधायक भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, अंजू कमल कांत जी और ओजस्वी वक्ता यह जिले के प्रभारी पंकज जैन जी, कमल कांत जी, लोकप्रिय निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी और सभी जिले के महामंत्री मंडल अध्यक्ष अगला उपस्थित झुग्गी भाइयों, झुग्गी में रहने वाले भाइयों और बहनों, आप बहुत देर से यहां पर बैठे हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं दिल्ली में बहुत साल से रह रहा हूं, मेरे मन में था कि कोई दिल्ली में झुग्गी के बीच में जाकर के लगातार उनके बीच में जाकर काम करे और नियमित रूप से काम करे, उनके दुख दर्द को जाने, उनको सम्मान करे, उस काम को कोई करने वाला एक दो दिन नहीं बल्कि दिल्ली प्रदेश के सभी झुग्गियों में जाने का काम, उनके दुख दर्द समझने का काम, उनको सम्मानित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो 29 दिनों से यह काम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी स्वयं इस काम को कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मंच के लोगों से भी, इतना पुण्य काम, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के दुख दर्द जाना, झुग्गी वालों का सम्मान करने का काम, यह ईश्वरीय काम है। इस काम को आदेश गुप्ता जी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन तालियों के द्वारा। ऐसे अध्यक्ष को अभिनंदन करिए, मंच वाले भी सब खड़े होकर के खड़े होइए, अपने स्थान पे आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन करिए। सब लोग माँ बने हो तो पीछे भी देख रहा हूँ, सभी आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन करें, क्योंकि आपका सम्मान करने आए हैं, आप इनका सम्मान कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, लगातार 29 दिन से जाना, एक एक झुग्गी में जाना और अपने झुग्गी भाई बहन से बात करना कि तुम्हारी समस्या क्या है, उनको सम्मानित करना और योजना बनाकर महिलाओं को साड़ी देने का काम, गैस कनेक्शन देने का काम, उज्ज्वला भी, उज्ज्वला का वितरण हुआ और 10,000 रेडी पटरी वाले जो है उनको 10,000 रुपए के चेक भी देने का काम किया, 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी देने का काम किया। मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल जी, आप बताओ आप झुग्गी में क्या काम किए? और यहां तो झुग्गी है जहां में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, वहां लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं है, तार भी खुले हुए हैं, तार भी अंडरग्राउंड नहीं है, और तो आप इतने साल शासन करने के बाद अगर झुग्गी वालों को नल से जल न मिले,
अगर पाइप की व्यवस्था आप न करें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए केजरीवाल जी। यह आपने काम इतने सालों में किया है, बताओ आप कहा पाइप की व्यवस्था, नल से जल आता है क्या बताओ जरा भैया, शुद्ध पीने का पानी आता है क्या, जरा मीडिया को बताओ शुद्ध पीने का पानी आता है क्या। और तो दूसरे प्रदेश में अभी पंजाब में उत्तराखंड में गोवा में जाकर के केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दिल्ली वालों को पीने का पानी मैं शुद्ध देता हूं। दिल्ली की जनता, दिल्ली का जनता इस झूठ का उजागर आपका काम कर रही है, कह रहे हैं कि दिल्ली में सबको हमने रोजगार दे दिया। क्या युवाओं को रोजगार मिला है क्या दिल्ली में बताओ भाई, रोजगार नौकरी मिली है किसी को, हाथ उठाओ नौकरी मिली है, ये देखो सब कह रहे नहीं मिली है, नहीं मिली है नौकरी, मिली है क्या, अगर नहीं मिली है तो वही हाथ दिलाओ और मना करो, देख लो किसी को नौकरी नहीं मिली है। ये मैं कहूँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनता देख ले कि केजरीवाल ने यहाँ लोगों को नौकरी नहीं दिया, और वहां जाके झूठ बोलना, एक एक काम एक एक चीज झूठ बोलना। अभी तो और वो कह रहे थे कि बताओ पीने का पानी, अगर बिजली हमने मुफ्त कर दी तो क्या गलती किया सांसदों विधायक का बिजली मुफ्त नहीं होता। अरे केजरीवाल जी आप बताओ, आपने अपने विधायक का और आपके जो सांसद है उनका बिजली उनका चार्ज लगता है कि नहीं लगता है, पहले आप डिक्लेरेशन फाइल करो। आप तो अपने विधायकों को 3 से 4 गुना तनख्वाह बढ़ाने का काम करते हो। यहाँ झुग्गी में बैठे रहने वाले लोग बैठे हैं, आपका बिजली का बिल आता है क्या, बिजली का बिल किसके किसके पास आता है, हाथ उठाओ बिजली का बिल, जिसके पास बिल होता आता हाथ उठाओ, भैया फोटो खींचो देखो बिजली का बिल। अरे और बताओ जिसके पास बिजली का बिल आता हो हाथ उठाओ। अरे केजरीवाल जी देखो कितना झूठ बोलोगे, उत्तराखंड के लोगों के साथ झूठ बोलोगे, पंजाब में झूठ बोलोगे, यूपी में झूठ बोलोगे। केजरीवाल जी संजय सिंह सिसोदिया जी झूठ जाकर झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं कहूंगा अगर ये प्रतियोगिता करा दिया जाए और झूठ बोलने वालों की प्रतियोगिता करा दिया जाए तो झूठ का सम्राट अगर किसी को उपाधि मिलेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिलेगी, और झूठ के सम्राट की उपाधि केजरीवाल को मिलेगी। इस प्रकार से झूठ बोलना, गरीबों का छलावा करना, अब बहुत दिन तक यह चलने वाला नहीं है। ये झुग्गी के लोग, ये हमारे भाई बहन गरीब भाई बहन जानते हैं कि इनका कल्याण कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इनका बैंक अकाउंट भी खुला और कोरोना के समय में एक एक अकाउंट में 500 रुपए के 3 किस्त 1500 रुपए देने का कोई काम किया है तो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कोरोना के समय अगर आपकी कोई चिंता किया, एक एक परिवार को 5-5 किलो का अनाज देने का कोई काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके साथ रेडी वाले पटरी वाले उनकी मदद अगर कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री गांव गरीबों के मसीहा और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केजरीवाल ने आपकी सुध नहीं ली है क्योंकि यह तो झूठे फरे भी आदमी है, यह आपका भला कर भी नहीं सकते। और तो और भी आदेश जी बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, पता इतनी शर्म नहीं आती, एक एक वार्ड में चार चार शराब की दुकान खोलना और शराब किसी भी दाम में बिके। आप यह मान के चलना कि आप हजारों करोड़ रुपए इसके माध्यम से इकट्ठा करके यह सरकार दूसरे राज्यों में खर्च करने जा रही है। इतना बड़ा पाप, दिल्ली के लोगों से सर यहां पैसा लूटने का काम अगर कोई कर रही है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है। और मित्रों मैं बताओ इतना जरूर, एक कलयुग है, कलयुग में भ्रष्टाचार करोगे अनैतिक काम करोगे तो हो सकता है एक बार आपको जनता चुन ले, एक बार आपको जनता चुन ली, जैसे बिहार में चारा वाले भाई साहब को 2-3 बार चुन ली, लेकिन भ्रष्टाचार करप्शन इसका अंजाम क्या होता है। एक कलयुग में भी जो ये काम कर रहे हैं
इनकी सरकार जो काम कर रही है, आने वाले समय में मान के चलना, यह लोग भी जेल जाने वाले हैं, उनको कोई छोड़ने वाला नहीं है। अंत में मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो झुग्गी में हमारे भाई बन रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यूपी बिहार के भी हैं, कितना लोग यूपी बिहार के हैं, मुझे जरा हाथ उठाओ, यूपी के कितना लोग हैं मुझे जरा हाथ उठाओ, और बिहार के भी हैं यहाँ पे, बिहार के, झारखंड के हैं, चलो तो अभी आपका यह आदेश दी झुग्गी सम्मान यात्रा का, अभी जो अंत अगला कार्यक्रम है साड़ी वितरण का काम करने वाले हैं, पुनः मैं आदेश गुप्ता जी पूरे इनके टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह ईश्वरीय काम आगे चलता रहना चाहिए और आपकी मदद भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगातार करता रहेगा, यही मन से आपको कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अरुण जी से, हमारी चारों पार्षद आपके साथ एक बार फोटो खिंचाना चाहती है। अध्यक्ष जी एक मिनट, अरे दीपक जी एक मिनट आइए मेरे पास जरा, दीपक गुप्ता जी साड़ियां लाइए जरा, साड़ियां पांच साड़ियां लेके आइए, अनिल जी पांच कूपन लेकर के पांच महिलाओं को भेजिए, पांच कूपन जरा एक बार जाइए, अरे अनिल जी जरा जाइए जल्दी, दो ली आइए, दो कूपन, दो कूपन, दो साड़ी गुप्ता जी दीजिए जरा, ले लो जल्दी जल्दी खुलवा लो जरा, सामने नहीं, सामने नहीं इधर आइए, सामने नहीं, आप एक काम करिए, दो पार्षद इधर आ जाइए, दो पार्षद उधर आ जाइए अरुण जी के साथ, आइए अपन ले लीजिए, आइए आगे आइए, आइए नाम नाम बोलिए, नाम नाम बताइए बाबा, एक एक करके एक एक, अभी नीचे रुके यहीं पे रहो, क्या नाम है बहन जी, बहन जी नाम, बहन जी रघुवीरी जी आइए, रघुवीरी जी आप आइए, भाइयों बहनों एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां, आदरणीय अरुण सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साड़ी वितरण करते हुए, एक बार थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए साड़ी को, सामने देने के लिए ये साड़ियां ब्लाउज के साथ है, ब्लाउज पीस पी सी के अंदर है, श्रीमती रघुवीरी जी को लाइए जी, दूसरी आइए आइए मेरे को अपना वो दीजिए, श्रीमती सोनी जी आइए, सोनी जल्दी आइए, आइए आइए रहिए नीचे आइए, श्रीमती बबली जी आइए, बबली जी बबली जी एक बड़े मंडी नीचे जाइए, नीचे जाइए आप, कौन है यहाँ पे, कौन खड़ा है यहाँ पे, कौन छोड़ रहा है यहाँ से, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सभी को साड़ियाँ वहीं पे मिलेंगी, आप लोग जाके अपना स्थान ग्रहण कीजिए, एक फोटो अरे आइए, एक फोटो मैं चाहूंगा एक बार सभी हटे, सभी हटे हमारे अतिथिगण के साथ हमारी पार्षदों की फोटो एक बार पीछे पीछे हो जाइए, आइए सभी बने आइए पीछे हो जाइए, भैया पीछे हो जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पर आकर अभी आपको साड़ी मिलेगी, कोई भी बहन अपनी सीट से ना हिले, अपनी कुर्सी से ना हिले।